हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीतू। हमने आपको पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आर्टिकल आपको कराए थे, बेसिक से कुछ एडवांस रूल थे उसमें और जनरल रूल्स भी थे। तो आज हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। आगे के लिए फिर हम जो और भी एडवांस रूल हैं या तो उन्हें कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के सारे सभी पार्ट्स को एक बाय वन बाय क्लियर करेंगे। अभी हमारा नाउन हुआ है, नाउन हमारा बेसिक रूल्स नहीं, बेसिक रूल्स होकर कंप्लीट हुआ है बट एडवांस रूल्स नहीं कराए हैं। बीच में मैंने आपको ए एन द का यूज़ कराया था क्योंकि वो इससे कनेक्ट है एडवांस रूल में। ओके गाइस, तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस शीट लेके आए हैं। देखिए आपको कितना मतलब उसमें आता है। ठीक है दोस्त, इसमें है ये, देखिए प्रैक्टिस शीट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ ये जूम करके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए एन द का यूज़ करना है आपको, और जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है। ओके गाइस, व्हेन कैन यू यूजुअली सी डैश मून इन द मॉर्निंग और एट नाइट? ऑप्शन है ए आ मून आएगा, या बी ऑप्शन एन मून आएगा, या फिर सी ऑप्शन द मून आएगा। तो गाइस मैंने आपको रूल्स कराए थे कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में हम द का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा ये आपका द। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। आई सॉ डैश वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई अ फ्यू थिंग्स अगो। आपने किया, आपने देखा कि आई सॉ क्या देखा, मतलब अ वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी में, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके गाइस, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है गाइस, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय पेन, डू यू हैव डैश पेन आई कुड बोरो। मैं अपना पेन लाना भूल गई, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो उधार? तो तुम अपना पेन मुझे क्या, कौन सा क्या, मतलब क्या इसमें आर्टिकल आप लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे? तो गाइज इसमें जो आंसर है हमारा वो आ पेन आएगा। ओके गाइज, हमारा है सेकंड ऑप्शन, इसमें करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी आ पेन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई हैव अ न्यू कार। देखिए अब इसमें मैंने आपको रूल बताया था कि हमारे पास, मेरे पास एक कार है, लेकिन कार है तो वो कैसी है उसको स्पेसिफिक बनाया जा रहा है रेड कलर को बता के, कि मेरे पास कैसी कार है, रेड कलर की कार है। तो इसमें ऑप्शन गाइस क्या आना चाहिए, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट इज डैश कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इज इट सिडनी और कैनबेरा? तो अब आप बताइए कि इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। आपको रूल्स मैंने बताए थे, तो व्हाट इज़ आपको रीडिंग बेस भी आना चाहिए कि
रीडिंग करने के आफ्टर रीडिंग के बाद आपको मतलब लैंग्वेज कैसी ठीक लग रही है, तो व्हाट इज द कैपिटल होगा इसमें. ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा करेक्ट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव डैश एग टोस्ट एंड सम कॉफ़ी. अब आप बताइए इसमें क्या कौन सा हम आर्टिकल यूज़ करेंगे. मतलब मैं अक्सर ब्रेकफास्ट के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक अंडा टोस्ट एंड सम कॉफ़ी, और उसके साथ मैं कॉफ़ी लेता हूँ. तो आप इसमें कैसा यूज़ करेंगे, आप पहले इस नाउन को देखिए. ये एग हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन है तो इसमें हमारा जो लेटर है और वॉल साउंड है वो दोनों ही सेम हो रहा है. तो इसमें हम एग यानी कि वॉल साउंड है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको और इसको स्क्रॉल कर देती हूँ. आई हैव डैश टू यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्डर सिस्टर्स. मीन्स मेरे पास मेरे कितने भाई बहन हैं, दो यंगर ब्रदर्स हैं एंड एन ओल्डर सिस्टर हैं. तो आई हैव क्या आएगा इसमें, आर्टिकल यूज होगा या नो आर्टिकल होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके देखिए नो आर्टिकल का भी ऑप्शन है. ए ऑप्शन आपका है, बी एन है, सी आपका ए है. अब आप देखिए यहाँ पे टू है, यानी कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, तो टू तो हमारे कभी एक के लिए आता नहीं है, क्योंकि प्लूरल नाउन हो गया. अब प्लूरल नाउन के लिए हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ये मैंने आपको रूल्स में बताया था. सो गाइज यहाँ पर आर्टिकल नन होगा, ए. ओके गाइज, एट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, माई मदर सॉ अ नाइस ड्रेस इन अ स्टोर, शी डिसाइडेड टू बाय डैश ड्रेस. देखिए गाइज, अब इसमें देखिए, माई मदर सॉ अ नाइस ड्रेस, मतलब मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी ड्रेस देखी स्टोर में, तो उसने तभी डिसाइड कर लिया कि वो वही ड्रेस खरीदेगी. इट मींस ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का, मतलब जो चीज़ उन्होंने डेफिनेट कर ली कि हाँ मुझे यही चीज़ खरीदनी है, तो डेफिनेट आर्टिकल का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो हम आंसर इसमें आपका आएगा सी. ओके गाइस, 16 क्वेश्चन की सीरीज है ये, आपको 8 क्वेश्चन करा दिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इज इट जनवरी और फेब्रुअरी. तो अब आप इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इसमें नो आर्टिकल का यूज़ होगा या फिर आ का यूज़ होगा या फिर दा का यूज़ होगा. तो देखिए ऑर्डिनल नंबर का रूल बताया था मैंने आपको कि जहाँ भी ऑर्डिनल नंबर आ जाता है, फर्स्ट लास्ट सेकेंड, ये सारे जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं इनके आगे हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ओके गाइस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सॉ डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क. मैंने एक आदमी को देखा जो पार्क में चल रहा था. तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी डेफिनेट आर्टिकल का ऑप्शन है नहीं, तो ऑब्वियसली हमें कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए. आप देखिए इस साउंड को चेक कीजिए, ओल्ड जो है ये वोवल साउंड है, और आपका लेटर भी वोवल का है, तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइज फॉर डैश आर इन द मॉर्निंग। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि कॉन्सोनेंट लेटर हो या देखिए मैं रूल्स फिर से रिपीट आपको इस साथ में रिवाइज कराती जा रही हूँ और आंसर आपको बताती जा रही हूँ, इसीलिए जिससे कि आपको रिमेम्बर हो जाए कि हमने आपको रूल्स ही क्या कराया था। देखिए आर आर क्या है, आर इन द मतलब फॉर आर यानी कि आर जो ये वाला जो आर है ये हमारा ये वोवल साउंड है इसका, लेकिन लेटर किससे शुरू हो रहा है स्टार्ट हो रहा है ये हमारा ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके हमने साउंड को चेक किया है तो इसका आर आएगा। ओके गाइस, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर विल बी द करेक्ट आंसर बी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ड्रैंक डैश कप ऑफ कॉफ़ी बट द कॉफ़ी वॉज कोल्ड। तो आप मैं पीता हूँ मतलब मैं पीता था, क्या पीता था, एक कप कॉफ़ी बट द कॉफ़ी वॉज कोल्ड, लेकिन वो कॉफ़ी कैसी होती थी, बट द कॉफ़ी वॉज कोल्ड। देखिए इसमें भी आपको एक डेफिनेट जो नॉलेज दी जा रही है कि वो कॉफ़ी पीता था लेकिन कैसी पीता था, ठंडी पीता था, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। बट इस ब्लैंक में हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, देखिए कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट ही साउंड है, सो राइट आंसर विल बी द ए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, हेल्प समबडी प्लीज कॉल डैश पुलिसमैन। किसी ने हेल्प मांगी कि मुझे मतलब प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कीजिए और पुलिस को बुलाइए, तो पुलिसमैन को जब हम कोई आपको बताया था किसी का प्रोफेशन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, किसी के प्रोफेशन के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, सो गाइस आंसर विल बी द करेक्ट आंसर ए, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा हमारा ए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट समर माई फ्रेंड्स एंड आई ट्रैवल टू डैश स्पेन। अब आपको बहुत ही सोच समझ के ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी हम प्रॉपर नाउन के लिए मतलब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको पहले से ही मैंने ये रूल सिखाया है, तो आंसर विल बी द करेक्ट आंसर ए। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय लिटिल ब्रदर ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ किचन अ काओ एंड, क्या लगाएंगे आप, ऑब्वियसली आई लगाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा डी। मैंने एक किसका पिक्चर बनाया, एक किचन का बनाया, एक काओ का बनाया एंड एक हॉर्स का बनाया, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। अब देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी कि किसी रेन का मतलब आपको फॉरेस्ट का नाम दिया हुआ है, तो हम अमेज़न हुआ या कुछ हुआ तो डेफिनेट आर्टिकल का ही हम इसमें यूज़ करेंगे। कहाँ पर है ये, क्यों, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है ये प्रॉपर नाउन, बट हमने इसको बताया है कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, तो इसमें हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का। ओके गाइस, सो आंसर विल बी द करेक्ट आंसर सी। ओके गाइस, सो आज की ये सीरीज़ कंप्लीट होती है प्रैक्टिस सेशन, और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।